अभी मैं 2 दिन पहले का वाक़या आपको बताऊं। अभी 2 दिन पहले 18 तारीख में खड़ई में हमारा प्रोग्राम था, हमको आना था प्रोग्राम में। तो सुबह सवेरे एक ट्रेन चलती हमारे इलाके से, सुबह 7 बजे का टाइम है। हम घर से निकले अपने ड्राइवर को लेकर कि चलो भाई हमें वहाँ कलकत्ता हावड़ा का ट्रेन पकड़ना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आदमी किसी चीज़ के बारे में ठान लेता है तो अल्लाह के तरफ से उसकी मदद होती। आपको इस हादसे से, इस वाक़े से ये बात बहुत आसानी के साथ समझ में आएगी। पता है ड्राइवर साहब ने कहा चलिए हज़रत आपको स्टेशन छोड़ देते। हम जब स्टेशन जाने लगे, एक ही ट्रेन थी वो आपके हावड़ा आने के लिए, हमारे किशनगंज से सिलिगुड़ी दार्जिलिंग से आने के लिए सुबह के टाइम एक ही ट्रेन, कंचन कन्या। उसके बाद जैसे हम शहर के अंदर दाखिल होने वाले थे, बीच में एक पुल है, जाम लग गया, ट्रेन हमारी निकल गई। अब हम कैसे पहुँचे जलसे में? जलसे में हमने ज़ुबान दी हुई कि हम आपके जलसे में आएंगे। लोगों के अंदर जैसे आप लोगों ने, ये पिछले साल का जलसा, ये पिछले साल का जलसा इस साल हो रहा, क़ज़ा और कफ़ारा दोनों हो रहा। भाइयों जब वादा किया हमें आपके जलसे में आना है, अगर मैं आपके जलसे में आज नहीं आता तो मैं भी बदनाम होता और आप भी लोगों के सामने में शर्मिंदा होते। तो ज़ुबान, वादा, ये इस्लाम का एक हिस्सा है। धोखा नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाम की एक पहचान और एक शनाख्त है। तो उन्होंने कहा, ड्राइवर्स ने हमसे कहा कि मौलाना अब कैसे होगा, ट्रेन तो आपकी निकल गई। हमने कहा कि किसी भी कीमत में हमको मिदनापुर पहुंचना है, हमको बंगाल पहुंचना है, जलसे में हमको शिरकत करनी। 625 किलोमीटर की जर्नी थी, 8 बज चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आई एम नॉट एबल टू ड्राइव द कार फॉर टुडे बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी। ये बहुत लंबा सफ़र है, हाउ कैन आई ड्राइव द कार। हम कैसे इस लंबे सफ़र में कार को ड्राइव करके लेकर जा सकते। हमने कहा हिम्मत रखो हिम्मत, अगर साथ देते हो तो हम दोनों मिलकर जा सकते। उन्होंने कहा कि मौलाना आई एम नॉट एबल, हम नहीं जा सकते। हमने कहा कि वहाँ लोगों की उम्मीद हमसे जुड़ी हुई, वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा जाना हर हाल में ज़रूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अल्लाह की तरफ से मदद कैसे होती। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जाओ तुम घर। मैं किशनगंज से 615 किलोमीटर की दूरी, नेविगेशन जब ऑन किया हमने तो नेविगेशन में 14 घंटे की जर्नी दिखा रहा था, 14 घंटा मुस्तकिल जर्नी दिखा रहा था। हमने अल्लाह का नाम लेकर, आयतल कुर्सी पढ़कर और सफ़र की दुआ पढ़कर सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आयतल कुर्सी पढ़कर और अल्लाह का नाम लेकर हम स्टीयरिंग पर बैठे। ड्राइवर नहीं था हमारे साथ, हम स्टीयरिंग पर बैठे और सीट बेल्ट हमने लगाया। उसके बाद हमने चलना शुरू किया। चलते 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 कहीं पर कोई रोक नहीं, कहीं पर कोई स्टॉपेज नहीं। मैं 3:30-4 बजे के करीब, 8 बजकर 23 मिनट पर हमने सफ़र शुरू किया और 4:30 बजे हम बर्दवान पहुँचते। वहाँ पर एक होटल में रुककर नमाज़ पढ़ते हैं, मुस्लिम होटल है। मस्जिद नज़र आई, खाना खाया। वहाँ से और यहाँ तक पहुँचने के लिए जाम का रास्ता होते हवाते हमको 5-5.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। मेरे भाइयों, मैं वहाँ रुका। उसके बाद फिर मैं चला हूँ तो मैं खड़ई जिस वक्त मैं पहुँचा हूँ, मैं उस वक्त और टाइम 1 बजकर 3 या 4 मिनट हो रहा था रात को, यानी मुस्तकिल तकरीबन 14 साढ़े 14 15 घंटे का सफ़र करके तेमथानी के करीब मेरे दोस्त हैं। मैंने उनको कहा कि मेरा दिमाग और मेरा पूरा बॉडी अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन कौन गाड़ी चला रहा है, मैं स्टीयरिंग पर बैठा हूँ, मैं अंदाज़ा आपको नहीं बता सकता। जब मैं पेट्रोल लेने के लिए उतरा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा, लेकिन पेट्रोल डालकर फिर मैं स्टीयरिंग पर बैठता हूँ देबरा के करीब। उसके बाद फिर मैंने गाड़ी भगाई वहाँ से। मेरे भाइयों, मैंने अपनी नज़रों के सामने अल्लाह की रहमत और नुसरत देखी। मैं गाड़ी से बाहर होता हूँ तो मुझे चक्कर आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा स्टीयरिंग पर तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं तरोताज़ा हूँ, इसलिए कि वहाँ पर निस्बत थी जलसे की, निस्बत थी शरीयत की, निस्बत थी कुरान की, निस्बत थी इस्लाम की, निस्बत थी ऑडियंस की। और हम एक वादा पूरा करने चले थे, वहाँ बार बार ऐलान हो रहा था कि मौलाना आ रहे हैं, मौलाना आ रहे हैं। मुझे बयान भी करना था, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा। हमने 15-20 किलोमीटर पहले एक ड्राइवर को यहाँ से लिया, तब हमने कहा कि आप गाड़ी चलाइए ताकि मैं 15-20 मिनट गाड़ी पर बैठकर आराम कर लूँ, तो चूँकि मुझे जाकर स्पीच देना। मैं फ़ौरन गाड़ी से उतरकर कुर्सी खिताबत पर बैठा और 1 घंटा से भी अधिक, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1.5 घंटा तक मेरी स्पीच हुई। मेरे भाइयों, मुफ्ती आया साहब ने कहा कि मौलाना कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए ताकि आपकी थकान दूर हो जाए। मैंने कहा कि मौलाना मैं पहले तकरीर करूँगा, तब बाद में मैं खाना खाऊँगा। 15 घंटे का सफ़र, ड्राइव द कार, उसके बाद फिर 1.5 घंटे की तकरीर, उसके बाद तब जाकर मैंने खाना खाया। आप क्या समझते हैं, यह अल्लाह की तरफ से मदद नहीं तो और क्या है। जब आदमी सोच ले, जब आदमी ठान ले, तो किसी बातिल के सामने भी खड़ा होकर दंदना सकता है, जवाब दे सकता है, मुकाबला कर सकता है। यह इस कौम की पहचान है। सहाबा कराम भी कभी कुफ्फार के सामने खड़े हो जाते थे। भूखे हैं, पेट में खाना नहीं है, हाथ में तलवार है, मुकाबला करते हैं। आपको याद होगा जंग-ए-खंदक के मौके पर 30 फीट का एक जंग-ए-खंदक खोदा गया, 22 फीट उसमें गहराई थी। एक काफिर घोड़े में एयर लगाता है और मुसलमानों के खेमे में जाकर पहुंच जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौन बहुत बड़ा बहादुर आ गया लड़ने के लिए, तो उस काफिर ने कहा कि कौन अपने बच्चे को यतीम करना चाहता, कौन अपने माँ को, कौन अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता है, आओ मुकाबले के लिए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये हिम्मत और ताकत होनी चाहिए हमारे नौजवानों में, हमारे मुसलमानों में। बुज़दिल नहीं बनना चाहिए। आज भले ही बातिल ताकत कुर्सी पर बैठे, मिनिस्ट्री उनके पास है, पावर उनके पास है, उनसे डरना नहीं है। हमें डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है। आप अल्लाह से डरो, मैदान में निकल जाओ, कोई माए कलाल आपको छूने नहीं सकता। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, उसके बाद उस काफिर ने कहा, ए मोहम्मद, है तुम में कोई मुजाहिद, जरा पानी दीजिए, है तुम में कोई मुजाहिद जो मुझसे मुकाबला करे? तो हज़रत अली फ़ौरन खड़े होते हैं। हज़रत अली ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम इनका मुकाबला करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि अली नहीं, सामने में बड़ा ताकतवर बहादुर, ये तुमको ज़ेर कर देगा। हज़रत अली की ओनली उम्र, उनकी उम्र 22 साल थी। नौजवानों, आज आपकी 22 साल की उम्र फेसबुक में गुजर जाती है, आपकी 22 साल की उम्र फ्री फायरिंग में गुजर जाती है, आप मोबाइल में घुसकर गेम में अपनी जवानी तबाह कर लेते हो। आप बताओ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़माने में हज़रत अली की उम्र कितनी थी? सिर्फ 22 साल की उम्र थी। हज़रत अली, अल्लाह के नबी ने कहा, है कोई मर्द मुजाहिद जो इनका मुकाबला कर सके? हज़रत अली खड़े हो गए, ए अल्लाह के नबी, मैं मुकाबला करना चाहता हूँ, मैं इस कुफ़ार का मुकाबला करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि अली, तुम छोटे हो, बैठ जाओ, सामने बड़ा ताकतवर आदमी। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने एक बार और ऐलान किया, है कोई मुजाहिद तुम में से? हज़रत अली फिर खड़े हो गए, हे अल्लाह के नबी आना, मैं आई वॉन्ट टू फाइट विथ हिम, मैं इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा आसान समझा है, ये बड़ा ताकतवर है, ये बड़ी ताकत है इसके बाजुओं में, ये अंडरटेकर है, ये खली है, ये रॉक है, तुमको एक थप्पड़ में बाजू कर देगा। हज़रत अली फिर मायूस होकर बैठ गए। 22 साल का नौजवान उसके बाद फिर खड़े होते हैं। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, है कोई मुकाबला करने वाला इनसे? इस काफिर को इनके औकात याद दिलाने वाला? अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, कोई खड़े नहीं हुए। हज़रत अली फिर खड़े हो गए। तो इस मरतबा हज़रत अली को अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ अली मुकाबला करो इनसे, जाओ इनका मुकाबला करो। हज़रत अली ने हाथ में तलवार लिया और एक हाथ में ढाल लिया, चले गए मैदान में, खड़े हो गए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, आज हम लोग बुज़दिल, आज हम लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस करते। हमें अगर अल्लाह के नबी की ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात पर, अपनी शरीयत पर हमें विश्वास और यकीन है तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस कुफ़ार के सामने खड़े हुए। काफिर ने कहा, ए अली आज तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, आज तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, आज तो तुम्हारा स्वाहा कर दूंगा मैं, आज मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी तलवार अली तुम्हारे मासूम खून से रंगे। हज़रत अली ने कहा कि हे काफिर, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी तलवार तुम्हारे खून से रंग जाए। ये बात सुनना था कि उस काफिर ने हमला किया, हज़रत अली की गर्दन पर तलवार लगी। हज़रत अली फ़ौरन पलट कर वार करते हैं। अल्लाह के नबी ने दुआ की कि अल्लाह अली की मदद फरमा। मेरे भाइयों, हज़रत अली ने पलट कर वार किया, इस ज़ोर से तलवार मारी, इस ज़ोर से तलवार मारी कि उस काफिर का जो ढाल होता है, ढाल लोहे का, तांबे का बना हुआ, उस ढाल को काट कर उनकी गर्दन पर लगती है तलवार हज़रत अली की और पूरे गर्दन को उसके तन से जुदा कर देती। ये थी जवानी की ताकत, ये थी ईमान की ताकत, ये थी ईमान की रूहानी ताकत जो अल्लाह के तरफ से होती है, लेकिन तब होती है जब आदमी मैदान में खड़ा हो। आज तो हम लोग मैदान में खड़े नहीं, आज या तो हम लोग डरते हैं या तो हम लोग शरीयत से दूर हो चुके हैं, या तो हम लोगों को अपने कुरान से मोहब्बत नहीं, अपने अल्लाह से मोहब्बत नहीं, अपनी शरीयत से मोहब्बत नहीं। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, हम एक ऐसी शरीयत को मानने वाले जो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन शरीयत मानी जाती। हम लोग साल में कितने त्यौहार करते हैं? 2 त्यौहार बड़ा करते हैं। कौन सा? एक हम लोग मनाते हैं ईद और एक मनाते हैं हम लोग ईद उल अज़हा। ईद मनाते हैं, रमज़ान के रोज़े रखने के बाद हम लोग ईद मनाते हैं, गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, खुशी करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से अज्र देने का दिन होता है। आपने 30 रोज़े रखे, अभी रमज़ान का महीना आने वाला। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, अगर आपको यकीनन अल्लाह ने जवानी दी, अपनी जवानी का एहसास है, तो इस मुबारक महीने में कंटिन्यू 30 दिन के रोज़े रखना, और इस रोज़े की बरकत से बड़े बड़े गुनाहों से आप बच सकते हो। अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्यों रोज़े रखते हैं? ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, ताकि तुम बुराइयों से दूर हो जाओ, ताकि तुम गलत काम ना करो। अभी 14 अप्रैल से पहला रोज़ा शुरू हो जाएगा, बहुत कम दिन बाकी रहे।